क्या आप जानते हैं, संसार में जन्म लेने के बाद सबसे पहले माँ शब्द जुबान पर आता है। हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, जिन्हें संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। मैं रोशनी कश्यप। मैं एनसीसी कैडेट पूजा पांडे। मैं डॉक्टर बिंदु सोनाली। मुझे मत मारो मम्मी, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो पापा, मम्मी। नहीं मालिक, आजकल की बेटियां पढ़ेंगी। मालिक, कल मास्टर ने जी आयल रही, कह रही थी सरकार एक योजना चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। माना कि लड़कों का नाम स्कूल में लिखवाना चाहिए, पर जो चीज पर्दे के पीछे की है उन्हें वहीं तक रखा जाए तो ठीक है। ऐसा क्यों, जब हमारी बेटियां आशा की प्रेरणा है तो उनके प्रति सौतेला व्यवहार क्यों? वो भी डॉक्टर, पुलिस, वैज्ञानिक, इंजीनियर बन सकती है, और ये संभव तभी है जब इन्हें उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाए। पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। बाबूजी ऐसा मत करिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बाबूजी। मैं राधा की मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। बाबुल रे अब छूट रहो तेरे मंगना, बाबुल रे अब छूट रहो तेरे मंगना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया है जायदाद से। सोचते लोग यहाँ पर नहीं सोचता है संसार। मैं नहीं होंगी तो मिट जाएगा ये संसार, मिट जाएगा ये संसार। मेरे परवरदिगार, क्या यही फैसला? अरे विदा हुई थी डोली में, अब जनाजा पर इन कागज के टुकड़ों के लिए मासूम बहन बेटी की बलि चढ़ गई। सोच बदलो, समझ बदलो, इस अनमोल रत्न को मिटने से बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जय हिंद जय भारत।